नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की फसल में आग लगने पर मदद पहुंचाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी अग्निशमन केंद्र के अधिकारियों को सरकार ने अग्नि सचेतक योजना के तहत प्रत्येक तहसील के ब्लॉक में 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना की शुरुआत की। आग की सूचना प्राप्त होते ही हमारे यहाँ से फायर टेंडर तत्काल प्रभाव से रवाना कर दिया जाता है और फायर टेंडर के साथ हमारी फायर यूनिट जाती है जो अग्निशमन का कार्य करती है, आग बुझाने का कार्य करती है। किसानों के लिए एक अग्नि सचेतक योजना चलाई जा रही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई कार्य योजना है। इसमें प्रत्येक ब्लॉक से 100-100 लोगों को अग्नि सचेतक के रूप में बनाया जा रहा है। जिस प्रकार पुलिस मित्र होते हैं उसी प्रकार अग्नि मित्र बनाए जा रहे हैं। ये हमारी फायर होने पर प्रत्येक गांव में बनाए जा रहे हैं। फायर होने पर ये हमारी मदद करेंगे और आग की सूचना की जानकारी देंगे। ताजनगरी में आगरा विकास प्राधिकरण हमेशा से चर्चाओं में रहा है। एक बार फिर आगरा विकास प्राधिकरण में प्रॉपर्टी को फाइल चोरी होने से हड़कंप मच गया। दरअसल आगरा विकास प्राधिकरण में प्रॉपर्टी से जुड़ी करीब 350 फाइल्स गायब हैं, जिसकी जानकारी होते ही पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर ADS VC राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि फाइलों का डिजिटलाइजेशन करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद स्क्रीनिंग में इस बात का खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले को लेकर एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है, जबकि अन्य की जांच चल रही है। इस पूरे मामले पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। जब फाइलों का डिजिटलाइजेशन चल रहा था तो विभिन्न हमारी योजनाएं हैं, कुल 41 योजनाएं हैं, उनके कई ब्लॉक हैं, तो जब हम उनकी स्कैनिंग कर रहे थे तो बीच बीच में एक आध पत्रावली मिल नहीं रही थी, तो काफ़ी फाइलें थी जो मिली नहीं। तो एक बार और हमने इनको कह दिया है कि एक बार और अच्छे से सर्च कर ली जाए, यदि वो नहीं मिले तो इन सभी पर एक साथ FIR दर्ज करा दी जाए। और इसी संबंध में एक दो व्यक्ति भी पकड़े गए, उनके यहाँ भी 4-5 पत्रावलियाँ हमारी मिली, तो पुलिस के द्वारा हमें बताया गया, वो भविष्य में और स्पष्ट होगा कि कितनी चीज़ें मिली होंगी। आगरा रेल मंडल में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत स्थानीय हस्तशिल्प हस्ताकार और हुनरमंदों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर जगह दी जा रही है। पूर्व में शुरू की गई योजना को अब आगरा मंडल के छोटे बड़े सभी स्टेशनों पर लागू करने का आदेश जारी हो गया है। किस स्टेशन पर कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा ये भी फाइनलाइज हुआ है। देखिए, पायलट प्रोजेक्ट में 69 डिविजन्स में एक एक स्टॉल का प्रावधान किया गया था कि एक स्टेशन चुनकर उन पर OSOP वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्टॉल लगाई जाएगी। इसके बाद अब इस योजना में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए इस योजना का बोर्ड से विस्तार किया जा रहा है। पूरे भारत में 5000 स्टेशन पे OSOP के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें आगरा डिवीजन के 47 स्टेशन चुने गए हैं और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से 1-2 महीने में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा और 47 स्टेशन पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स की स्टॉल लगाई जाएगी। अलीगढ़ में आग की चपेट में कार आ गई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अनोरा हाउस की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यहाँ शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके कारण नीचे खड़ी कई कार आग की चपेट में आने से पूरी तरह से खाक हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियां और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक नीचे खड़ी कई कारें जलकर राख हो गई थी। राहगीरों ने इस बात की जानकारी दी। किधर से निकल रहे थे, निकलने के बाद धान के देखा रास्ते में यहाँ आग लग रही थी हल्की फुल्की ट्रांसफार्मर पे नीचे, और वो हौले हौले ऊपर गई है, उसके बाद गाड़ियों में आग पकड़ी है। क्या कोई जान हानि भी हुई, कोई नुकसान? नहीं, जान हानि का तो नहीं हुआ, सामान का ये हुआ, ये जो खड़ी है यहाँ पता नहीं किसकी, किस चीज का नुकसान हुआ है? गाड़ियों का हुआ है, ये पुरानी गाड़ी। और गाड़ियों के अलावा? और नहीं, बिजली का हुआ है। लगभग कितनी देर आग रही? लगभग आधे घंटे आग फैल रही है।
औरैया में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। एक नाबालिग युवक को पुलिस द्वारा इतना पीटा गया कि उसने आहत होकर खुदकुशी कर ली। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को गांव में ही पकड़ा गया और बेरहमी से पीटते हुए थाने ले गए, जहां पर परिजनों का आरोप है कि नाबालिग के नाखूनों को प्लास से खींचा गया है। उसके पैरों पर सिपाही और दरोगा बूट रखकर खड़े हुए हैं। इसके अलावा जमकर मारपिटाई की गई है, जिसकी वजह से वो आहत हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। अब अधिकारी अपने विभाग के लोगों को बचाने में लगे हैं। दारोगा और सिपाहियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। लगातार मृतक की माँ और भाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजनौर में मानसून आने से पहले सिंचाई विभाग पूरी तरह से अलर्ट हुआ है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सिंचाई विभाग ने नदी नालों की सफाई कराई है। बाढ़ग्रस्त इलाके 14 अति संवेदनशील है, 14 संवेदनशील जहां पर सिंचाई विभाग की पहली नजर बनी हुई है। व्यवस्था के लिए हमारे द्वारा कुछ संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 14 संवेदनशील है और 14 अतिसंवेदनशील है। अतिसंवेदनशील क्षेत्र में हमने बाढ़ सुरक्षा के लिए बल्ला स्क्रीनिंग और बल्ला स्टड के माध्यम से उसको रोकथाम की कार्रवाई की है। साथ ही जो हमारे तटबंध बने हुए उनको मॉनिटर करके हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि वो सही स्थिति में है। नाले की सफाई भी हम पूरी पूर्ण कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमने 3 रिजर्व स्टॉक भी स्थापित किए हुए हैं, एक हरेबली में है, एक खोबराज पर और एक पीड़ित। आवश्यकता पड़ने पर हम यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अपना बल्ली स्क्रीनिंग और आवश्यक सामग्री को स्थापित किया हुआ है। चमोली जिले के मुख्यालय के आसपास के जंगलों में आए दिन आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। वन विभाग काफी मशक्कत से आग पर काबू पा रही है, लेकिन अराजक लोगों द्वारा लगातार जंगलों में आग लगा रहे हैं। अभी तक लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। गोपेश मुख्यालय के पास पटियालधार नर्सिंग कॉलेज के पास वाले जंगल में भयंकर आग लगी है, जो काफी तेजी के साथ आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही है। देवरिया जिले के भलोनी थाना क्षेत्र के पैकौली गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पोहारी महाराज के कुटी स्थित मंदिर के निकट पोखरे में डूबकर 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें 3 बच्चे हैं, जो कि 2 10 साल के हैं और 1 12 साल का। तीनों बच्चे एक साथ पोखरे में नहाने गए थे कि अचानक काफी गहरे पानी में चले गए और एक एक करके तीनों बच्चे डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और गांव में कोहराम मच गया। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गदरपुर मठकोटा मार्ग पर स्थित प्रभा ऑटोमोटिव इंजीनियर्स लिमिटेड अशोका लीलैंड की वाहन के पीछे लगी ट्रिपर बनाने की कंपनी के दर्जनों मजदूरों ने कंपनी गेट के बाहर काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कंपनी के प्रबंधन पर सभी मजदूरों के साथ शोषण करने का आरोप लगाया। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों की पूरी करने की बात कही है। मजदूरों ने कहा कि उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2018 से जो सैलरी मिल रही थी लड़ाई के हिसाब से, अब उनको न्यूनतम सैलरी दी जा रही है। उन्होंने कंपनी के प्रबंधन पर आने जाने के किराए और कमरा किराया, नाश्ता आदि बहुत सी सुविधाओं को बंद करने की बात कही है, जिसको लेकर उन्होंने काम बंद कर दिया। उनका कहना है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, वरना आगे हम यूं ही हड़ताल पर रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सारे मौखिक बात कर रहे हैं और मौखिक में हम वो कॉन्ट्रैक्टर रोल के सारे बंदे कॉन्ट्रैक्टर रोल पे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और हमने उनके कॉन्ट्रैक्टर को बुला के आज उनसे बात भी करने की कोशिश की, कॉन्ट्रैक्टर ने भी बात करी, दोनों से बात करी, जितने भी बंदे हैं तो उन्होंने जो कहा उन्होंने बोला सारी शर्तें मंजूर थी। और जो 4 बंदे हैं, ये तेज बहादुर हो गया और मंगल सिंह हो गया और ये रितेश गिरी हो गया और एक आदमी और क्या नाम है उसका, सुनील कुमार, ये लोग ढंग से अपनी ड्यूटी तो नहीं करते हैं। इनका ये 10 दिन काम करेंगे तो 5 दिन अपने घर बैठते हैं, तब भी हम इनको ड्यूटी लेते हैं। भाई जी, जैसे हम इस कंपनी में 3-4 साल से हमारे बंदे कई ऑपरेटर भी हैं, कई हेल्पर भी हैं बेचारे, तो उनका रेट पहले जो था उससे भी कम कर दिया गया है। दिन पे दिन रेट बढ़ता है और हमारी कंपनी में दिन पे दिन रेट कम हो रहा है।
और दूसरी बात है खाने का भी है, खाना सही नहीं आ रहा है, टाइमिंग का है, ओवर टाइम ड्यूटी कट जा रही है, तो बहुत सी बातें हैं। बाकी और कहा जा रहा है जैसे हमारा शोषण किया जा रहा है कि हाँ भैया बैल बैल बने रहो, बैलों की तरह काम करो। आखिर में हम भी इंसान हैं यार, हम भी एक वर्कर हैं, वर्कर की तरह। अब ये हमारे सीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हमसे ऐसा व्यवहार कर तुम्हारा खून पी जाएंगे, ये कर देंगे, चाहो गेट के बाहर जाओ, तुम्हारी कंपनी बाप की है, ये है वो, इस तरह से बहुत सी मतलब बातें की जा रही हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? 2018 में मलिक था मुसलमान, उन लोगों ने हमें सारी फैसिलिटी दी, खाने से लेके रूम किराया हो गया, आना जाना किराया हो गया, ठीक है, और रेट भी 635 रुपये से था, 635 था 2018। वो आज चले गया उन लोगों के मलिक जाने से, इन लोगों ने हमारी सारी फैसिलिटी छीन ली। जब से जीएम आए और जैसे स्टाफ है, इन लोगों ने पता नहीं क्या इन लोगों ने रची देता। और दूसरा यह है कि लॉकडाउन में इन लोगों ने बोला कंपनी में कमाई नहीं हो रही है, इन लोगों का जिसका 635 था उनका 500 किया, हेल्पर का 450 था उनने 350 रुपये किया, और आज की डेट में बढ़ाने के टाइम पर इन्हें 100 रुपये और 150 रुपये कम किए। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान की है। एक सदस्य फरार है, एक अस्वस्थ है और चलने की स्थिति में नहीं है। एक सदस्य है, 1-2 साल से अपना घर छोड़ चुका है। इन लोगों की पहचान 2019 में हुई थी। जांच में इन सदस्यों के संबंध हिंसा से जुड़े पाए गए हैं। पीएफआई के अन्य सदस्य शहर में मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर छानबीन तेजी के साथ की जा रही है। दो हज़ार 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है, चौथा बीमार है अभी घर पर ही है, पांचवा करीब 1.5-2 साल से अपने बाहर। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब पीएफआई का और कोई सदस्य तो नहीं कानपुर? कानपुर के अंदर और हो सकते हैं, लेकिन ये 5 पूर्व के आइडेंटिफाइड थे जिन पर कार्रवाई की। 3 गिरफ्तार हुए जी, 2 नहीं मिल रहे हैं या बीमार? नहीं नहीं नहीं, चौथा यहीं पर है बट बीमार है और चलने फिरने की हालत में नहीं है। लखनऊ में पबजी गेम ने बेटे से मां की हत्या करवा दी है। जी हां, वही पबजी गेम जिसको लेकर छोटे बच्चे हो, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो युवक हो, हर कोई इस गेम के पीछे दीवानों की तरह हरकतें करता है और जिस तरह से गेम चलता है उसी हिसाब से जो बच्चे हैं इसमें ढलते हुए नजर आते हैं। लखनऊ में ऐसा ही हुआ है। पबजी एडिक्टेड बेटे को बार बार टोकना मां की मौत का कारण बन गया। मां की डांट के चलते पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां के सर पर उसने गोली मार दी। 2 दिन तक घर में मां के शव के साथ बेटा रहता। छोटी बहन को धमका कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन तक जब किसी को कुछ पता नहीं चला और जब शव की गंध पूरी तरह से फैलने लगी उसके बाद जानकारी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी जिससे छुप धो करके इसने इस घटना को अंजाम दिया है। भले ही योगी सरकार में भूमाफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन पीलीभीत जिले में भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे सत्ता पक्ष के नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत की पोल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव शशांक मिश्रा ने खोलकर रख दी है। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रसपा के पूर्व सचिव रहे शशांक मिश्रा ने भूमाफियाओं की जमीन को चिन्हित कर उनके साथ सत्ता पक्ष के नेता अधिकारियों की मिली भगत का आरोप लगाते हुए अपने आप को जान से मारने की धमकी देने की बात कही है। वही भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिले के तमाम अधिकारियों और सत्ता पक्ष के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है।
शिकायत, ये जो शिकायतें हैं ये सारी भूमाफियाओं के खिलाफ है। एक लालाराम कश्यप है जो प्रोफेसर से भूमाफिया बन गए, जो उत्तराखंड में नौकरी करा करते थे, आज के डेट में उनके पास 50-70 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई। तो मैंने उसकी शिकायत 18 अक्टूबर 2021 से लगातार शिकायतें कर रहा हूँ। ये इनकी एक समाजवादी पार्टी का नेता है, एक बिजनेसमैन है और एक वहीं पर पवन रेस्टोरेंट का मालिक है। मैंने इन सबकी शिकायतें की लेकिन पता नहीं इनको किसका संरक्षण है, कौन इनको संरक्षण दे रहा है, जो प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। उप जिलाधिकारी की आख्याओं में सब कुछ सही साबित होता है, एक एक सही आख्या पाई गई, एक एक शिकायत को बिल्कुल सही बताया गया, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? किसका संरक्षण है, कौन है आखिर? और योगी आदित्यनाथ इस समय जो सरकार है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एक संत हृदय मुख्यमंत्री है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने को लेकर लागू की गई टोकन सिस्टम व्यवस्था काफी कारगर साबित हुई है, जिसको लेकर तीर्थयात्रियों में काफी ज्यादा खुशी देखने के लिए मिल रही है। बताया जा रहा है कि टोकन सिस्टम लागू होने से पंजीकरण काउंटर पर अब तीर्थयात्रियों की भीड़ काफी कम हो गई है। एक बार फिर व्यवस्थाओं को धरातल पर परखने के लिए डीएम देहरादून ऋषिकेश के बीटीसी परिसर पहुंचे। उन्होंने तीर्थयात्रियों से व्यवस्थाओं के बारे में हालचाल जाना, अधिकारियों से तीर्थयात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मौके पर पंजीकरण काउंटर का निरीक्षण करने के बाद टोकन सिस्टम को निरंतर जारी रखने के आदेश भी दिए। यात्रियों को जरूरत के हिसाब से बसों का इंतजाम रखने के सख्त निर्देश भी डीएम ने दिए हैं। कहा कि चारधाम यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ अधिकारियों की भी है, इसलिए व्यवस्थाओं में झोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर सामाजिक संस्था के सहयोग से डीएम ने तीर्थयात्रियों को बिस्किट और पानी की बोतलें भी वितरित की हैं। निरीक्षण के दौरान सीओ ऋषिकेश, डीसी डोडियाल और तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ऋषिकेश के भरत विहार में डीएम देहरादून के नाम दर्ज सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए गए हैं। यही नहीं, गलत खसरा नंबर दिखाकर दर्जनों रजिस्ट्री अभी भी भूमाफियाओं ने कर दी है। मामला संज्ञान में आने के बाद एमडीडीए ने कई निर्माण को सील किया है, जिसके बाद डीएम देहरादून ने खुद स्थलीय निरीक्षण कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश तहसील प्रशासन को दे दिए हैं। देखिए, भरत विहार के मामले में मैंने निरीक्षण भी किया था, लगभग 2 बार मैंने निरीक्षण किया है और एसडीएम साहब को भी मैंने निर्देशित किया है कि आप निरीक्षण करें, क्योंकि अभी उन्होंने ज्वाइन भी किया है। और इस संबंध में रजिस्ट्रीज का भी हम लोगों ने हवाला लिया है और इसमें रजिस्ट्रीज अगर इस बीच में गलत तरीके से हुई हैं तो उन पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। पुष्टिकरण के निर्देश दिए थे ना आपने, तो उसमें एक्शन देखिए इसमें, क्योंकि मामला जो है कोर्ट में सब जुडिस था और कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें स्टेटस को बनाने के लिए कहा था। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से बची है। बताया जा रहा है कि कार में फैमिली गंगोत्री की ओर जा रही थी, अचानक वाहन चालक को चक्कर आ गया तो इसमें एक छोटे से बालक ने अपनी सूझबूझ दिखाकर गाड़ी का स्टीयरिंग पहाड़ी की ओर ऊपर साइड घुमा लिया था, जिससे कि वहां वो पलट गई। एक छोटे बच्चे ने सभी की जान खतरे से बचा ली है, जिसके बाद उसकी तारीफ भी हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।